2021, in March 2023, I completed my ACCA. And मेरे लिए ACCA करने का reason बहुत simple था, मुझे एक international degree चाहिए था. And ये degree 180 plus countries में applicable है. But for you, ACCA can also be the primary degree on which you can rely on. In this video, I am going to tell you कि ACCA course कौन कर सकता है, कितना time लगता है, कितनी fees होती है और क्या क्या papers होते हैं. Starting with कौन कर सकता है, this is my favorite part about ACCA course. After passing your 10th, you can do this course. Like, can you imagine कि आप एक professional course या degree ले पा रहे हैं within like 2 years of your qualifying 10th. And that's what ACCA allows you to do. When I was in BCG, I met someone, he was an intern and he told me that he's in ACCA. And he was preparing for it before his 12th and I was so surprised. And from there, you know, I just researched that, okay, this is possible. So moving on to ACCA ka syllabus. There are 13 papers divided into 3 levels. One is knowledge level, then skill level, and then professional level. Jo aapka knowledge level hota hai, usme aapke 3 papers hota hai. Aapke skill level mein 6 papers hota hai. And professional level mein 4 papers hota hai. So total 13 papers hota hai. Exemptions के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस लेवल पे कितनी exemption मिलती है, but that is the structure. Now, duration of this course. So, उससे पहले we need to understand कि exam कब कब होता है. So, there are 4 or 5 papers. So, the first 4 papers, which is your business and tech, management accounting, financial accounting and law, ये 4 papers on demand होते हैं, which means आप उनको कभी भी दे सकते हैं. एंड बाकी सारे पेपर्स के लिए ACCA पूरे साल में 4 बार सेशन करता है. जैसे CA के एग्जाम मई और नवंबर होते थे, तो ये साल में 4 बार होते हैं, विच इज़ योर मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर. एंड आप पूरे साल में 8 से ज़्यादा पेपर्स नहीं दे सकते हैं. सो दैट्स वाई आपको 2 साल में आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप इसको अच्छे से फोकस होकर करें. देन मूविंग ऑन टू द ड्यूरेशन एंड द फीस पार्ट. सो डिवाइड करते हैं. अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं की है, अगर आप अंडर ग्रेड हैं, तो आपको ये कोर्स को कंप्लीट करने में 2 से 2.5 साल और मे बी 3 साल लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप कब कितने पेपर्स देते हो. एंड द फीस इज़ फ्रॉम 4 to 4.5 lakhs. बट लेट्स से आपने ग्रेजुएशन कर लिया है या बीकॉम ग्रेजुएट है, देन द लाइक द टाइम वुड बी 1.5 to 2 years और मे बी 2 to 2.5 years. एंड द फीस वुड बी 3 to 3.5 lakhs. अगर आप एक CA intermediate student हैं, then आप 1.5 से 2 साल में कोर्स कर सकते हैं. And the fees would be between 2.5 to 3 lakhs. And if you are a CA, CMA with 5 years of experience, now ये दोनों अलग चीज़ें हैं. या तो अगर आप CA हो या फिर CMA with 5 years of experience हो, then you can complete this course in 6 months to 1 year. And उसमें आपका जो फीस आएगा वो आएगा 1.8 to 2 lakhs. So that's about the structure, papers, फीस एक्सेट्रा. नाउ कमिंग टू एग्जेम्पशंस, कि आपको सारे पेपर्स देने हैं क्या. सो नहीं, यहाँ पे काफ़ी एग्जेम्पशंस हैं. सो लेट्स से अगर आपने बीकॉम कर लिया है या फिर आपने सीए इंटरमीडिएट कर लिया है, तो आपके 5 पेपर्स एग्जेम्प्ट हो जाते हैं. बट इधर थोड़ा नुआंस है. आप ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ ग्रेजुएशन कर लिया तो 5 पेपर्स एग्जेम्प्ट हो गए. लेट्स से अगर आपने BBA या फिर BMS किया है, तो सिर्फ 1 ही पेपर एग्जेम्प्ट होता है, विच इज़ अ बिजनेस एंड टेक. बट अगर आपने बीकॉम A&F अकाउंटिंग एंड फाइनेंस या फिर CA इंटरमीडिएट का, तो 5 पेपर आपके एग्जाम्प्ट हो जाते हैं. नाउ इफ़ यू आर अ CA या फिर CMA विथ 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो आपके 9 पेपर्स एग्जाम्प्ट हो जाते हैं. एंड मैं वो कैटेगरी में थी, सो आई हैड टू गिव ओनली 4 पेपर्स ऑफ ACCA फॉर मी बिकमिंग ACCA. नाउ टिल दिस पार्ट ऑफ द वीडियो, यू वुड हैव गॉट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स विच यू वर नॉट अवेयर. एंड ऐसे टाइम पे अगर कोई हमें गाइड करता है, तो वो बहुत हेल्पफुल होता है. एंड देर आर अ लॉट ऑफ सच कोर्सेज जो आपको और मुझे भी शायद नहीं पता होंगे. एंड ये वीडियो बनाने का आइडिया मुझे तब आया व्हेन आई गॉट टू नो दैट EdZeb इज़ प्रोवाइडिंग फ्री करियर काउंसलिंग फॉर दोज पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन डूइंग ACCA और सम सिमिलर फाइनेंस कोर्सेज. एंड दोज हु आर बीकॉम ग्रेजुएट्स और मे बी 12th पास आउट और मे बी लाइक CA, CS, CMA ड्रॉप आउट्स. सो इफ़ यू वॉन्ट टू बुक योर फ्री काउंसलिंग सेशन, you can click on the link in the description. Now moving on to the most important part for you, which is the average salary for ACCA freshers. Abhi aapko screen pe table dikh raha hoga, and
मे बी कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत कम है. एंड नाउ आई विल टेल यू द कैलकुलेशन कि क्यों ये CS से पार है, या फिर जो भी प्रोफेशनल डिग्रीज आप सोचेंगे. आई वुड से द सैलरी इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू व्हाट यू वुड गेट. ACCA करने में आपको 2 साल लगे, राइट, और 2 या 3 साल लग गए. एंड ठीक है, 12th के बाद शुरू किया ये भी मान लेते हैं. नाउ इमेजिन आपने CA 12th के बाद शुरू किया था. एट एन एवरेज 4 या 5 साल तो लगते हैं CA करने में. मेरा सब कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था, बोथ ग्रुप साथ में दिए थे मैंने. 2017 में स्टार्ट किया था, जून 2017 में मेरा CPD था एंड आई बिकेम CA September 21. तो 4 साल लग गए थे, और लोगों को 5 साल भी लग जाते हैं. तो अगर हम 5 साल लेके चले तो 12th के बाद आपको 5 साल लगे आप CA बने. एंड देन एवरेज पैकेज इज बिटवीन लाइक 8 to 11 lakhs. वो भी मतलब इतना तब है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट CA हो, जितना मैंने देखा है. ACCA में आप 2 या 2.5 साल में ACCA बन गए, यू आर गेटिंग 3 to 5 lakhs. नाउ लेट्स से, एंड विच शुड बी द केस, जब आप वो ACCA कर रहे हो एंड ACCA CA जितना टफ नहीं है, तो साथ में यू हैव टू गेन द स्किल्स. CA में 3 साल का आर्टिकलशिप है, तो आप काफ़ी सारी प्रोफेशनल स्किल्स गेन करते हो, एंड विच ऑल्सो इंक्लूड्स कम्युनिकेशन. अगर आप बिग 4 से आर्टिकलशिप कर रहे हो, किसी भी फर्म से आर्टिकलशिप कर रहे हो, तो बहुत सारी प्रोफेशनल चीज़ें सीखते हो. तो ACCA में जब आप वो 2 या 2.5 साल का कोर्स कर रहे हो, तो यू डोंट हैव टू जस्ट स्टडी. जो आपके पास टाइम बचेगा और जो बचेगा उसमें स्किल्स गेन करनी है. अगर अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है तो अच्छा कॉलेज लेना है. सो यू हैव टू बिल्ड योर प्रोफाइल अराउंड दैट. अगर आपके पास अच्छा कॉलेज है, आपके पास अच्छी स्किल्स हैं जो आपने अपने फ्री टाइम में गेन करी है, तो ACCA में भी आपको बहुत अच्छा जॉब मिलेगा. तो 2-2.5 साल आपने ACCA करने में लगाया, लेट्स से उसके बाद आपने 2 साल किसी कंपनी में काम किया या फिर एज ए इंटर्न काम किया, जो भी है, तो बेसिकली आपको 3 साल का ACCA का एक्सपीरियंस हो गया. देन एज ऑन द स्क्रीन लाइक बिटवीन 15 to 20 lakhs ऑफ जॉब आपका भी लग सकता है, एंड आई वुड से उससे ज़्यादा लग सकता है. इट जस्ट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू क्रिएट योर प्रोफाइल. अगर आपने सारे सही स्टेप्स लिए हैं ड्यूरिंग योर प्रोफाइल, योर स्टडीज, देन यू विल गेट द बेस्ट पैकेज. एंड CA में भी यही होता है. किसी का रैंक प्लस बिग 4 आर्टिकलशिप प्लस इंडस्ट्री ट्रेनिंग, इतना स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होता है, देन दे गेट सच हाई पैकेजेस. इट्स नॉट इवन ईजी टू गेट हाई पैकेजेस इन CA. द इंटायर गेम इज अराउंड बिल्डिंग योर स्किल्स, making the right decision throughout. You can't waste time. Choose the right college, don't waste time, gain skills, and you will do good even with ACCA. And that's my like own analysis. I'm not making you see any dreams, but it depends on you, how you take this course and how you utilize your time. Now I've given you all the facts. Abhi aapko decide karna hai, is ACCA worth it or not. That's all for this video. I'll see you in my next video. Bye-bye.